वन मोर डाउट, शिवम इज आस्किंग, शिवम बोल रहे हैं कि क्या 10 या 5 महीने में अंडर 10 रैंक आ सकती है विदाउट एनी प्रायर नॉलेज? तो एक्चुअली इसका मैं एक चीज मैं आंसर करना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस अगर नहीं भी आती है तो भी आप तो अपना बेस्ट एफर्ट डालोगे ना। अगर आपको पता है कि 5 महीने बचे हैं और मैं आपको बोल दूं या फिर कोई आपको बोल दे कि भाई रिजल्ट जो है उसके अंदर मान लो टॉप 100 नहीं आएगी, तो क्या आप अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दोगे? क्या आप 5 महीने वेस्ट हो जाने दोगे? आपके पास 5 महीने हैं, क्या आप उनको वेस्ट होने दोगे? क्योंकि क्योंकि आपको पता है कि आपका वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आप चाहते हो, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैं बस एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप अपना बेस्ट दो, रिजल्ट जो भी आएगा वो आएगा आपका, आप जो कर सकते हो वो अपना बेस्ट देना, चाहे वो 5 महीने बचे हों, 4 महीने बचे हों, चाहे 1 या 2 महीने बचे हों, आप अपना बेस्ट देते रहो, जो भी रिजल्ट आएगा अपने बेस्ट एफर्ट के बाद में वही आएगा, उससे ज्यादा रिजल्ट नहीं आ सकता क्योंकि आपने अपना बेस्ट एफर्ट डाला है, तो उससे अच्छा रिजल्ट वैसे भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैं बस ये चीज सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट जब पूछते हैं कि सर 4 महीने हैं, क्या 4 महीने इनफ हैं ये रैंक लाने के लिए, टॉप 100 लाने के लिए, मैं उनसे एक क्रॉस क्वेश्चन एक ही पूछता हूँ कि अगर मैं बोल दूं कि आपकी टॉप 100 में रैंक नहीं आएगी 4 महीने में, तो क्या आप 4 महीने वेस्ट करोगे? बस मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या आप 4 महीने वेस्ट कर दोगे कि हाँ यार 4 महीने में मेरी टॉप 100 रैंक नहीं आ रही, तो एक काम करता हूँ 4 महीने खेल लेता हूँ, गप्पे मार लेता हूँ, वेस्ट कर देता हूँ, फरवरी से शुरू करूंगा, अगले साल जनवरी या फरवरी से शुरू करूंगा। क्या आप ऐसा सोचते हो? अगर आपका आंसर है कि नहीं, मुझे ये 4 महीने यूटिलाइज करने, मुझे वेस्ट नहीं करने, ठीक है, तो बस अपना बेस्ट एफर्ट डालते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास 4 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपना बेस्ट एफर्ट डालो क्योंकि आप जितना भी पढ़ोगे वो आपके काम में आने वाला है, जितनी भी नॉलेज आप 4 महीने में लोगे वो आपके काम में आने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि इन 4 महीने की कोई ये कोई जैसे इंटरनेट का एक जैसे जियो का हर दिन आपको 1.5 GB डेटा मिल रहा है कि अच्छा अगर यूज नहीं किया तो अगले दिन वो वेस्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आप 4 महीने में जितना पढ़ोगे, 5 महीने में जितना पढ़ोगे वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है, और हो सकता है आपकी टॉप रैंक आ जाए। तो इसलिए अपना बेस्ट एफर्ट डालो, इस तरह के अननेसेसरी चीजों के अंदर अननेसेसरी कैलकुलेशन मत लगाओ कि 5 महीने बचे हैं, इतना पढ़ूंगा तो इतनी रैंक आ जाएगी, ऐसा कुछ मत करो प्लीज। यस कावे। हाँ सर, मतलब मैं यही कह रहा था एक्चुअली कि जैसे मैं भी बहुत बहुत सोचता था इस चीज के बारे में कि 4 महीने बचे हैं, 5 महीने बचे हैं, तो भी जैसे क्या मेरा सिलेक्शन होगा। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को कई बार कॉल किया है, मुझे याद है, और जब मैं एंशियस होता था बता दो, तो कई बार सचिन सर को लगाया, कई बार आपको लगाया। तो मतलब मेरा इस चीज़ पर टेक ये है कि अगर आप बोल दो, जैसे मान लो आप मुझे बोल दो नहीं भाई तेरी आएगी आएगी अंडर 100 आ ही जाएगी, बस मेहनत कर, तब भी आप मतलब वो मानेगा नहीं जो व्यक्ति जिसको भी ये डाउट आ रहा है कि क्या मैं कर लूँगा, क्योंकि ये डाउट विद इन सेल्फ डाउट है। तो इवन इफ यू टेल कि नहीं आ जाएगी तो मेहनत करो, तो ये डाउट आते ही इसलिए कि आप मेहनत से थोड़ा भागना चाहते हो, यू वॉन्ट कि आप ड्रॉप ले लो और फिर आप अगले साल स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करो, और अभी आप अपने आप को बहाना दे लो यार 4-5 महीने निकल जाएं जैसे तैसे, फिर नेक्स्ट ईयर मैं पूरी फुल फोर्स से प्रिपरेशन करूंगा। सर को याद होगा कि मैंने कॉल किया था सर कि मेरा ड्रॉप का सोच रहा हूँ मैं, और फिर मतलब मेरा नहीं हो रहा है, इट वॉज टाइम अराउंड नवम्बर जब मेरे मार्क्स वगैरह टेस्ट में नहीं आ रहे थे, एंड बट स्टिल मतलब मेरे पापा ने मुझे बोला ड्रॉप का तो मत सोचो, सचिन सर दीपक सर दोनों आपने ये बोला कि ड्रॉप का मत सोचो, गिव योर बेस्ट एफर्ट, जितना हो रहा है डू योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट एंड बाकी छोड़ दो। तो मतलब मेरे को एक लाइन याद आती है जो मैंने शायद किसी दिन सुन ली थी कहीं से, तो मैं बोलूंगा जरूर कि लाइक ठान लो तो 5 महीने भी काफ़ी हैं और ना ठानो तो 5 साल भी काफ़ी। तो ये जो चीज़ है कि ये हिट मुझे बहुत करी थी उस टाइम पे, तो तब फिर मैंने बहुत मतलब लग के प्रिपरेशन पे ध्यान दिया था। तो आई वुड सजेस्ट कि जो लोग को ये डाउट है कि 5 महीने काफ़ी है या 4 महीने कम है या 3 महीने कम है, इवन थी जो नवंबर में भी स्टार्ट कर रहा है वो वीडियो शायद हो सकता है नवंबर में देख रहा है, स्टिल सजेस्ट कि आप 3 महीने लगा के तो देखो लाइक, बिकॉज हो जाता है, लाइक इट ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट ऑन लक कि आपने जो पढ़ा वही आ गया, इवन इफ यू स्टडीड अ लिटिल बिट ऑफ फ्रॉम सब्जेक्ट और वही चीज़ आ गई देन यू डिड दैट क्वेश्चन। तो कवि एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग जो आपने एक लाइन बोली कि जो लोग ये चीज सोचते हैं कि क्या 4 महीने इनफ है, क्या 3 महीने इनफ है, क्या 5 महीने इनफ है, जो इस तरह से सोचता है वो बेसिकली काम से बचना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मैं कैसे भी अगले साल देखूंगा, मतलब फरवरी से मैं देखूंगा, अगले साल प्रिपेयर करूंगा, ठीक है, तो वो उससे बस बेसिकली बहाने ढूंढ रहा है वो कि कैसे भी सामने वाला मेरे को बोल दे कि नहीं यार 5 महीने में नहीं होगा, और जैसे सामने वाला मुझे बोलेगा
कि 5 महीने इनफ नहीं है तो मैं अभी के लिए प्रिपरेशन छोड़ दूंगा और मैं आराम से जनवरी फरवरी में शुरू करूंगा। तो ये एक बहाना ही है, ठीक है। तो अच्छा, अच्छी बात यह है कि उसको बोल दो कि भाई हाँ इनफ है, सिंगल डिजिट रैंक भी तू ला सकता है, 4 महीने में ला सकता है, 5 महीने में ला सकता है, उसको बोल दो, ठीक है। तो भी उसको डाउट रहेगा क्योंकि उसको जो वो सुनना चाह रहा था वो उसको सुनने को नहीं मिला, ठीक है। तो एनी वे मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आपके पास कितना भी टाइम हो, अगर मुझे आप बोलो कि यार आप मुझे 1 महीने का टाइम भी अगर दो, तो 1 महीना भी जितनी मैं अपनी प्रिपरेशन कर सकता हूँ मैं करूँगा। उससे मतलब वो जो नॉलेज मेरी मुझे मिलेगी, जो मैं 1 महीने में अगर 2 या 3 सब्जेक्ट में अगर कवर करता हूँ, 2 सब्जेक्ट में कवर करता हूँ, तो कम से कम वो 2 सब्जेक्ट मुझे, एक वो 2 सब्जेक्ट की नॉलेज मुझे मिल रही है जो कि अगले साल मुझे वो 2 सब्जेक्ट कम कवर करने, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी टॉप रैंक आ जाए। अगर आपकी मान लो कि 2025 के अंदर अपना बेस्ट एफर्ट देने के बाद भी टॉप रैंक नहीं आती है, तो आप हो सकता है 26 के लिए जाओ। अब उस टाइम आपकी ये जो 4 महीने की मेहनत है बहुत काम आने वाली है, वरना आप नेक्स्ट ईयर अगर आप सोचते हो कि चलो मुझे अब 26 की तैयारी करनी है, और उस टाइम आप खुद को ये चीज आप खुद को बोलोगे कि यार वो 4-5 महीने थे वो यूटिलाइज कर लेता, कम से कम 5-6 सब्जेक्ट पढ़ लेता, पूरा सिलेबस कवर करने के बजाय 60% सिलेबस कवर कर लेता। 60% सिलेबस कवर करके भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, टॉप 500, टॉप 200, इस तरह की रैंक ला सकते हो। तो ये बहाने बनाना बंद करो, अगर आपको टॉप रैंक लानी है, अगर लाइफ में सक्सेस होना है, तो ये बहाने बनाने बंद करो।